शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम असलम वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स और स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फ़ॉर कंसेपचुअल लर्निंग मैं हूँ फैसल शहजाद खान गौर इस्लामियात बुक फोर के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदी प्यारे बच्चों कैसे हैं उम्मीद है सब मजे में होंगे खुशी से होंगे जी हाँ हमारी किताब का बाप सोम जिसका उन्वान है सीरत तयबा सल्ला वसल्लम प्यारे बच्चों इस बाप का पहला सबक जिसका नाम है नजूल वही का वाक इस सबक को पढ़ने के बाद इन हम इस काबिल हो जाएंगे कि नजूल वही के दर्ज ज़ेल पहलुओं से आगाही हासिल कर सकें नंबर एक नजूल वही नंबर दो नजूल वही के बाद हजरत खदीजतल कुकुबरा रदी अल्लाह तिरदार नंबर तीन अलग की इब्तई आयात के मुताबिक इल्म की अहमियत नंबर चार हजरत खदीजतुल कुबरा रदी तलीमत सिलाी मुसीबत जदों का बोझ उठाने नादारों की मदद मेहमान नवाजी आफतों में दूसरों के काम आना की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु सल वबी वसल्लम की अजमत व किरदार से आगा होकर इसकी पैरवी करने के काबिल बन जाएंगे जी हाँ प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए कि आप नजूल वही के वाक़ के बारे में क्या जानते हैं अच्छा जरा मुझे ये तो बताइए कि जब आजूर वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो नबी करीम वसल्लम किस जगह तशरीफ फरमा थे वाह आपको तो बड़ा बहुत कुछ मालूम है जी हाँ गारे हिर में तशरी फरमा थे अल्लाह इबादत में मसरूफ थे और कौन से फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आए जी हाँ हजरत जिबरा और क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली वही में कौन सी सूरत की कितनी आयत नाजिल हुई थी हाँ जी सुरत-ul-अलक और उसकी इब्तदाई पांच आयत, जिनमें अल्लाह ताला ने इंसान की तखलीक के बारे में और इल्म की अहमियत के बारे में बताया है तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं अपने सबक की जानेब और नजूल वही के वाक्य के बारे में अहम मालूमात हासिल करते हैं प्यारे बच्चों एलान नबूत से कुछ अरसा पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूल ख़ातमनबी जीन सल्ला वही वसम अक्सर गार ही हरा तशरीफ़ ले जाते गार हरा मुकरमा से करीब तीन किलोमीटर के फासले पर है ये ग़ार जबल नूर में वाक़ है आप सल्ह वही वस वसलम कई कई दिन तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करते और गौर व फिक्र में मशगूल रहते एक दिन आप वसल्लम इबादत में मशगूल थे कि हज़रत सलाम अल्लाह ताला की जानिब से वही लेकर आए ये वही अलक की पहली पांच आयत पर मुश्तमिल थी जो कि दर्जेल हैं اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ترجمه आप सल्लल्लाहु अलैहि वआली हि व असहाबी व अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा फरमाया उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वआली हि व असहाबी व पढ़िए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआली हि व असहाबी व का रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो ना जानता था अलक, आयत नंबर पांच। प्यारे बच्चों क्या आप जानते हैं कि वही के लफ्जी माना राजदारी से खबर देने के हैं जबकि इस सलाह में अंबिया कराम आलम सलाम पर नाजिल होने वाले अल्लाह ताला के कलाम को वही कहते हैं प्यारे बच्चों इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पर वही का आगाज हुआ उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस थी वही की अजमत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम के दिल की धड़कन तेज और जिस्म पर कपकपी तारी हो गई

जूल वही का सारा वाक सुनाया हजरत खदीजा रदी ने आप सल्लाम को तसली देते हुए कहा कसम आप सल्लाह को अल्लाह कभी रस्वा नहीं करेगा आप सल्लाह तो अखलाके फाजिला के मालिक हैं

अमर हक का साथ देते हैं सही बुखारी ररीस नंबर तीन प्यारे बच्चों इस बात से यह भी मालूम हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु सभी वसल्लम नजूल वही से पहले एलान नबूत से पहले भी इन तमाम अच्छी खसूसियात के हामिल थे आप सल्लल्लाहु वसल्लम के अपने पराए तमाम आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे यानी ऐलान और नजूल वही से पहले भी आप वसल्लम का किरदार की सीरत अजमत की बुलंदियों पर थी इस वाकरत खदीजा फौरन आप सल्ह वसल्लम पर ईमान ले आई और आप सल्लल्लाहु सल्ह हाबी वसलम को अपने चचाजात भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं। वरका बिन नौफल तौरात और इंजील के आलिम थे इबरानी जुबान भी जानते थे वो इस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे उन्होंने हजूर सल हाबी वसलम से सारा वाक़ सुनकर कहा ये तो वही यानी फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अलैहि सलाम पर नाजिल किया था काश उस वक्त मैं जिंदा होता जब कौम आप अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से निकाल देगी वर्का ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला का पैगाम जो नबी भी लाया उसकी कौम ने उससे दुश्मनी की अगर मेरी जिंदगी ने साथ दिया तो मैं आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की जरूर मदद करूंगा इस वाकये के कुछ रोज बाद वरका का इंतकाल हो गया सही बुखारी हदीस नंबर तीन प्यारे बच्चों अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु तला वस हबी वसल्लम पर पहली वही इल्म के बारे में नाजिल फरमाई और इल्म सीखने की तरगीब दी इल्म बहुत बड़ी दौलत है इल्म ऐसा नूर है जिससे अच्छाई और बुराई की तमीज़ होती है इल्म ही के ज़रिए अल्लाह ताला की पहचान होती है दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी का वाहिद ज़रिया इल्म ही है इसलिए हमें चाहिए इल्म हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें नबी करीम सल्ह वहीबी वसलम ने फरमाया म को कैद कर लो अर्ज की गई इसे कैद करना क्या है इर्शाद फरमाया इल्म को लिख लेना इसे कैद करना है मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर तीन सौ उनहत्तर प्यारे बच्चों इस हदीस से मुबारक और कुरान मजीद की पहली वही के तर्जमे से हमें यह चीज मालूम हुई कि लिखने की कितनी बड़ी अहमियत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को लिख कर कैद करने का हुक्म इरशाद फरमाया और अल्लाह तबारक व का भी फरमान सुना कि अल्लाह ताला ने इंसान को कलम के जरिए सिखाया हमारे बहुत से बच्चे लिखते हुए घबराते हैं अक्सर इसाम बच्चों को कहते हैं कि बेटा जो चीज़ याद नहीं होती उसको लिख लिया करो लिख लिख कर याद किया करो लेकिन लिखते हुए बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं उम्मीद है आज के बाद लिख कर याद करने की आदत को अपनाएंगे क्योंकि लिखना और लिख कर याद करना यह सवाब का काम है और इससे अल्लाह और नबी दोनों ही राजी होते हैं प्यारे बच्चों नबी करीम सहाबी वसल्लम के उस हसना पर अमल करते हुए हमें चाहिए कि रिश्तेदारों से सिला रहमी करें कमजोर और नादार लोगों की मदद करें मेहमान नवाजी की आदत अपनाएं कुदरती आफात यानी जलजलाओं सैलाब की सूरत में लोगों के काम आए ताकि हमारा माशरा अमन व सलामती का गहवारा बन सके आइए अब इस सबक के मुश्किल अल्फाज और असिलाहत के मानी पढ़ते हैं लफ्ज़ है मशगूल यानी मसरूफ बेयारो मददगार यानी बेसहारा अजमत यानी बड़ाई शानो शौकत तमीज यानी फर्क करना नजूल वही यानी वही का आना कामरानी यानी कामयाबी तनहाई यानी अकेले आलिम यानी इल्म वाला, जानने वाला। जानने जी प्यारे बच्चों आज के सबक को पढ़कर हमें किन किन चीजों का इल्म हासिल हुआ बिल्कुल सही इल्म की अहमियत का पता चला ये मालूम हुआ कि आजूर वसल्लम पर पहली वही कब और कहाँ नाजिल हुई और कुरान मजीद की कौन सी सूरत की कितनी आयत का नसूल हुआ यह भी मालूम हुआ कि वही का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ हमने इल्म को लिख कर कैद करने की अहमियत को भी सीखा और समझा है तो आज के बाद हम सब ने पक्का इरादा कर लेना है कि जब भी कोई सबक याद ना हो रहा हो तो उसको लिख कर याद कर लेना है जब इस कराम में से कोई भी पढ़ा रहा हो लेक्चर दे रहा हो कमरा जमात में हमारे इस कराम पढ़ा रहे हों तो हमें करना क्या है उनके लेक्चर के अहम निकात को गौर से सुनना है और उनको लिख लेना है तहरीर कर लेना है उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा प्यारे बच्चों अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा अपने वालदेन का खूब खूब खुँ एहतराम कीजिएगा क़राम का कहना मानिएगा और इनशाला फिर मुलाकात होगी असलकम